तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को। तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है और कमेंट करके ये पूछना चाहा है कि सर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में जो है हमें कई सारे मॉड्यूल्स जो है पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें मॉड्यूल वन में हमें डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन, ओके, सेकेंड मॉड्यूल में जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, थर्ड मॉड्यूल में मोमेंटम बैलेंस एंड स्ट्रेस, फोर्थ मॉड्यूल में मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, फिफ्थ मॉड्यूल में फोर्स स्ट्रेस, सिक्स मॉड्यूल में डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेन, सेवन मॉड्यूल में इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी बॉन्ड, एट मॉड्यूल में बेंडिंग एंड नाइन्थ मॉड्यूल में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है। तो सर क्या मैं सिर्फ लास्ट थ्री मॉड्यूल कंप्लीट कर लेता हूँ, अगर कंप्लीट हो जाता है तो क्या मैं मॉम में यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पास हो जाऊँगा? तो डियर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि 90% मैं श्योर हूँ, ठीक है, 90% श्योर हूँ कि आपका जो है 14 मार्क्स का एंड 14 मार्क्स का दो क्वेश्चंस आपका उस मॉड्यूल से पूछा जाएगा, ओके, एंड बाकी जो 10% है ये आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर ये लास्ट तीन मॉड्यूल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो दो क्वेश्चंस आपका 14 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और 10% आपका ऑब्जेक्टिव जो कि आपका 14 नंबर का रहेगा यानी 14 मार्क्स का, इट मीन्स 14 14 14 यानी 42 मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आप जिस तरीके से लिखोगे, जिस वे में लिखोगे, जो प्रोसेस होगा आपका लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 42 मार्क्स में कितना मार्क्स आ पा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट्स का सवाल था उस पे बेस्ड मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक्स है जिसे लास्ट टू डेज में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली कितना मार्क्स आ सकता है वो भी मैं यहाँ पे बता दूँ। देखो डियर, ये जो है जो टॉपिक्स मैं बताऊँगा, ये टॉपिक्स आपको, कुछ टॉपिक्स हमने YouTube पे ही अपलोड कर रखा है और कुछ वीडियोस आपको अनदर चैनल से रेफरेंस लेकर पढ़ने होंगे, क्योंकि डियर यहाँ पे हमारे द्वारा हमारे मतलब टीम मेंबर को बहुत कम टाइम में जो है लोगों का मैसेज आया कि सर आप भी जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का वीडियो जो है प्रोवाइड कीजिए। तो हमारी टीम जोरों शोरों से लगी हुई थी उसकी कंटेंट की, क्या भाई पढ़ना है, सिलेबस वगैरह, तो सिलेबस वगैरह को चेक किया और जो प्रॉपर तरीके से पढ़ना था वो इस बार तो नहीं बट अगले सेशन से जो भी लोग आएंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ने उनको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में वो टॉपिक बताया जाएगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और जिस टॉपिक को गेट या ESCs या अदर कंपटेटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। बट इस बार के लिए सॉरी, बट हाँ, जितना मैंने बताया है टॉपिक्स, अगर उन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं और अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं इन टू डेज में, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो उनका एक अच्छा मार्क्स आ सकता है। 70 में से कम भी तो मानकर चलिए तो 40
45 नंबर के आसपास उनका मार्क्स आ सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग जो है उन टॉपिक्स का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिसे समझना ज़रूरी है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। तो देखिए वो टॉपिक्स है आपका, पहला जो टॉपिक्स है वो है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। देखो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में मेनली शियर स्ट्रेस है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन है ना, ये चीज़ें निकालनी रहती है। तो इस पर मैंने कंप्लीट एक 3 से 4 वीडियोस मैंने आप लोगों को दिया है, कंप्लीट एक रिवीजन है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस का। ओके उसके बाद सेकंड थिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, थर्ड थर्मल स्ट्रेस, थर्मल एंड टॉर्सन स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस स्ट्रेस, फोर्थ शियर इन बीम, ओके एंड फिफ्थ थ्योरी ऑफ कॉलम। ओके दीज 5 टॉपिक्स दैट वेरी यूजफुल फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, एंड इन्हीं टॉपिक से मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके तो अगर इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो इस टॉपिक से आपका 14 मार्क्स, इस टॉपिक से 14 मार्क्स, इस टॉपिक से 14 मार्क्स, इससे 14 मार्क्स और इससे 14 मार्क्स, यानी कितना आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी 14 25 70 मार्क्स यहाँ पे आ गए। कितना आ गया 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस जो है इससे पूछा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो देखो आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होता है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी के 8 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव होते हैं, राइट। तो अब उन 8 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक्स इसी से क्वेश्चंस आएंगे, यानी अगर आप इस 5 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो कितना भी अगर आप लास्ट 2 डेज में अगर कोशिश करेंगे कवर करने का तो कुछ टॉपिक्स तो बचे जाएगा। मान लो कि ये कवर कर लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं, मान लीजिए कि 3 ही टॉपिक कवर करते हैं तो 3 टॉपिक का थ्योरी हम लोग बना सकते हैं प्लस फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो हो गया हमारा कितना 42 और उधर हो गया हमारा 14, तो 56 नंबर। 56 नंबर में कितना भी आप गलत सलत थोड़ा बहुत लिखते हैं, राइटिंग वगैरह कट छट होता है, थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, तो इन सभी में अगर काट छाट कर अगर नंबर देखा जाए, इवेल्यूएट किया जाए तो अप्रॉक्स 40 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे, है ना, अप्रॉक्स 40 मार्क्स आपके आ सकते हैं। ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो लास्ट इज दिस 2 डेज में आपको ये टॉपिक्स मैंने बताया है, दिस 5 टॉपिक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। एंड जो लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर ये जो टॉपिक्स आपने बताया है इन टॉपिक्स का नोट्स हमें कहाँ से मिलेगा, तो डियर अगर आप सिर्फ नोट्स को ऐप में ही पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन इंजीनियर प्लस पे मिलेगा। ओके बाकी कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सर मुझे नोट्स जो है मोबाइल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं उस PDF को या को जो है डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करवा लूँगा तो पढ़ने में मुझे थोड़ा सुविधा होगा, मोबाइल नहीं भी चार्ज रहेगा उस दौरान भी मैं
पढ़ सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो अगर वैसी सोच है आपकी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी आपको लगे, जैसी आपकी सुविधा लगे वैसे कर सकते हो। हाँ, अगले सेमेस्टर से यानी आपके जो जूनियर्स होंगे उन लोगों को अगर मॉम में दिक्कत होगा तो आप लोग रिकमेंड उन्हें कर सकते हो कि इंजीनियर प्लस पे जाओ, वहाँ पे आपकी क्लासेस वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। हमारी टीम उसके ऊपर वर्क कर रही है, लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। मैं पब्लिश इसलिए नहीं किया उस वीडियो लेक्चर कोर्स को क्योंकि लास्ट टू डेज़ में कोई भी स्टूडेंट अब लेक्चर्स को प्रेफर कम करेंगे, प्रेफर उसको करेंगे जिससे उनका कम टाइम में रिवीजन हो सके, है ना। तो वीडियो लेक्चर्स इतना भी इम्पोर्टेंट इजी नहीं है कि बस एक बार देखे और याद हो गया, उसको बनाना लिखना उस पर प्रैक्टिस करना। तो पीडीएफ जो लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके, है ना, प्रिंट आउट करवा कर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कुछ पार्ट्स में मैंने खुद क्वेश्चंस भी ऐड किया है ताकि उनको उस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस जब बनाने जाएं तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये पॉइंट जो मैंने बताया मे बी कितने लोगों को हेल्प करेगा ये तो मैं नहीं जानता, बट हाँ अगर 1-2% लोगों का भी हेल्प होता है तो मेरे लिए मेरे दिल के लिए बहुत सुकून की बात होगी कि मैंने किसी का हेल्प किया। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू।